नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो? आप लोगों के लिए इतनी अच्छी बातें होती है आपके सेहत से जुड़ी हुई। मैंने कहा कि आप सारी वीडियो पसंद करें, लेकिन कुछ हेल्दी वीडियो ज़रूर पसंद किया करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करिए, और जो आपको हेल्दी रखता है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, तो ऐसे वीडियोस को लाइक करना चाहिए एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चाहिए, शेयर भी ज़रूर करना चाहिए। कमेंट्स तो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करिए, क्योंकि ये सचमुच में आप लोगों के सेहत से जुड़ी हुई होती है, आप लोगों की अच्छाई के लिए होती है। तो कैसा लगता है वीडियो मुझे ज़रूर बताया करिए, कहाँ कहाँ से देखते हैं मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इससे अच्छा लगेगा, मतलब कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, वो कहाँ से देखते हैं, उनको कितना पसंद है और किस टाइप की वीडियो वो चाहते हैं। तो इस तरीके की कोई बातें हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया करें। फ्रेंड्स, जैसे हमारे आपकी बातें होती है हमेशा मानसिक स्थिति के बारे में, मानसिक रोग के बारे में, मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि किस तरीके से आपको स्वस्थ रहना है अपने मानसिक तौर पे। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ज़रूरी है कि हम मेडिसिन खाएं। मेडिसिन के मैं तो हमेशा, क्योंकि काउंसलिंग हमारी होती है, CBT जब हम पेशेंट के करते हैं, तो वो बिल्कुल रिकमेंड हम लोग नहीं करते कि आपको मेडिसिन लेना है, क्योंकि मेडिसिन के लिए मेडिसिन छुड़ाते हैं ऑलवेज। जो अगर मान लो कोई मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन की एक एडिक्शन हो जाती है, और जब पेशेंट आते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है उनको मेडिसिन लेते लेते। अब क्या होता है, वो एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बिना उनको लगता है कि मेरा काम ही नहीं चलता, मुझे नींद ही नहीं आती, या मैं खुशी नहीं होता, या खुशी नहीं होती, कुछ इस तरीके की बातें होती है। मेडिसिन कोई ऐसे पॉइंट्स को पे जाके टारगेट नहीं करती है फ्रेंड्स, कि वो जाके मतलब डोपामिन बढ़ा देगी या कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके के ऐसे मतलब नहीं होते हैं रीज़न दवाई खाने के। दवाई जैसे मैंने बताया आपको कि सम सीरियस रीज़न में ना, जब होता है कि जैसे कि मैंने बायोपोलर के बारे में बताया था, कि उसमें है कि आपको एक बारी जाके जब वो हद क्रॉस हो जाती है, तो तब जाके आपको मेडिसिन लेनी होती है। अदरवाइज ना, बहुत सारे ऐसे अभी थेरेपी है जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट हो रही है, पैनिक अटैक आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, या OCD की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उससे आप अपने आप ही बाहर निकल सकते हो। इससे ज़रूरी है कि आप अपने आप को ठीक करो, आप अपने आप को सक्षम मानो, आप अपने स्वयं को सोचो कि अगर लगता है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो साइकोटिक प्रॉब्लम के साइड में ले जा रहा है, तो आप इतने मतलब सक्षम हो कि आप समझ रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है, इसके लिए आप अपने आप को अलर्ट कर दो, आप अपने आप को सतर्क कर दो, और अपना विल पावर स्ट्रांग कर लो। आप अपने आप में एक सक्षम डॉक्टर हो। आप देखोगे तो कोई भी ऐसी, अगर मान लो निगेटिव थॉट्स आपके माइंड के अंदर घर कर रहा है, तो ये कोई मेडिसिन नहीं आएगा जो आपको बताएगा कि ये पॉजिटिव साइड आपके अंदर भर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये आपके थॉट्स क्रिएट करने हैं अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको पॉजिटिव थॉट्स जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। अब इसके लिए क्या करना होगा, कुछ चीज़ों का ना हम नित्य प्रतिदिन अगर अभ्यास करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास थे जन्मते होत सुजान, रस्सी आबत जाते सिल पे परत निशान। सुना ही होगा आपने, आप लोगों ने। मतलब क्या है कि आप देखते होगे ऐसे एक वो भी कि कुआं पे जब हम मतलब कुआं से जब हम पानी खींचते हैं, तो जो रस्सी की जो वो वहाँ पे जो घर्षण होती है, मतलब जो वो एक निशान पड़ता है, वो अपना निशान वो सील पे भी मतलब पत्थर पे भी छोड़ जाता है। तो एक चीज़ होती है कि जो चीज़ अगर आप बार बार करते हो, तो बार बार क्या करना है आपको, जो कि आपके माइंड पे पॉजिटिव निशान छोड़ दे, उसके लिए आपको करना है कि पॉजिटिव
थॉट्स क्रिएट करने हैं। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए कुछ थेरेपी है, जैसे कि हमने बताया कि काउंसलिंग है। अगर कुछ लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसलिंग है, सीबीटी में हम लोग कुछ ऐसे ऐसे थेरेपी बताते हैं जो कि आपको नित्य प्रतिदिन करना है। अब उसमें से एक आता है, मान लो बहुत से लोग होते हैं कि अब मान लो कोई पेशेंट है कि वो 35-40 ईयर्स के हो गए हैं, अब उनको अगर हम लोग कहते हैं राइटिंग थेरेपी की, ये बहुत ही कारगर है मानसिक प्रॉब्लम में। तो इसके लिए क्या होता है, कई लोग कहते हैं अरे अब तो बहुत टाइम हो गया, पढ़ाई छूट गई, अब लिखने का मन नहीं करता, हाथ थक जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बस यहीं पे आप मतलब जब ना कहते हो तो गलती कर जाते हो। आपको करना क्या है, अपने आप से ही मैं बता रही हूँ, अपने आप से एक आपको नियम बनाना है रोज़ मतलब नित्य प्रतिदिन का, कि आपने अपनी एक डायरी बनानी है, ठीक है। उस डायरी में आपको सुंदर सी आप डायरी लो और आप उसमें क्या करोगे, अगर आपकी राइटिंग कैसी भी है, टेढ़ी मेढ़ी है, गंदी है, मतलब ऐसे छलांगे मारती हुई जैसे आपकी राइटिंग है, कैसी भी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है। और लिखना कैसे है, आपको एक घंटा टाइम निकालना है, आपने सोचना है कि मुझे रोज़ एक पेज लिखने या दो पेज लिखने हैं, यह आपको अपने अंदर से एक आप प्रॉमिस करना है आपको अपने आप से। और आप जब लिखोगे तो बहुत आराम आराम से लिखना, मतलब अच्छे एकदम सीधी लाइन, अगर नहीं हुई तो आप पहले पेंसिल से लिखना शुरू करो, फिर क्या करो आप उसको मिटा दो, फिर आप अपने सुंदर सुंदर सी राइटिंग बनाना शुरू करो। पूरे फुल कॉन्सेंट्रेट आप कर लो कि आप जो लिख रहे हो, जो शब्द लिख रहे हो, चाहो तो आप कोई स्टोरी उठा सकते हो, कोई कहानी उठा सकते हो, या पेपर देखो, कुछ भी ऐसे है मतलब आपको लगता है कि वो दो पेज तीन पेज में आप लिख सकते हो, तो बेटर होगा कि कुछ स्टोरी आप लिख सकते हो, या कुछ आपने मैगजीन से कोई ऐसे स्टोरी उठा लिया, आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो उस टाइम में आपका पूरा माइंड ना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए आपके राइटिंग पे, कि आप क्या लिख रहे हो। एक एक शब्द आप ऐसे करो कि आप लिख रहे हो, फर्स्ट डे आप लिखोगे, सेकेंड डे लिखोगे, थर्ड डे लिखोगे, आप देखोगे फ्रेंड्स कि जो आपने फर्स्ट डे लिखा है ना, उससे ज़्यादा आप धीरे 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 आपकी राइटिंग इम्प्रूव करने होने लग गई है, कि अब जो फर्स्ट पेज पे था वो सेकंड पेज पे अलग है, थर्ड पेज पे अलग है, फोर्थ पेज पे अलग है। तो इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा और अब आपका एक नियम बन जाएगा, आपको पता चलेगा कि अब मेरे को एक पेज लिखना है। कहते हैं ना कि आदत होती है, तो ये आदत जब आप अपने अंदर में डालते हो, कुछ ऐसी पॉजिटिव आप लो, स्टोरी लो, कुछ ऐसे जो आपके अंदर में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, स्टोरी भी आप ऐसे चूज करो, तो वो एक थेरेपी है जो आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट करती है कुछ अच्छी बातों के लिए। तो ये तो आपकी हुई कि राइटिंग एक थेरेपी है, क्योंकि क्या होता है ना कि जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि बार बार अगर आप कोई करते हो, जब आप कुछ मान लेते हो, कहते हैं ना कि मतलब कि नेचर भी हमें मतलब ऐसी बातें सिखाती है कि अगर आप सोचते हो, अपने सराउंडिंग अगर आप सोचते हो कि ऐसा ही होगा, तो आप देखोगे कि एक ये नेचर का रूल है कि आप देखोगे कि वैसा ही होता है, क्योंकि आपने अब अपने मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड को आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया, ये बातें आपने बोल दी कि यही होगा, यही होगा, यही होगा, तो वही होता है। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, मानसिक प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम एनी टाइम अपने आप को नकारा, बेकार इंसान, नहीं कुछ करने वाला इंसान, मतलब किसी से मिलने जुलने वाला इंसान नहीं, या किसी से कंपेयर करना कि वो मेरे सामने कितना सही है, कितना सब कुछ जानता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये कुछ नहीं जानती, ऐसा जब हम सोचने लग जाते, क्योंकि आप अपने आपको इतने नीचे लेवल तक पहुंचा देते हो कि फिर वो क्या होता है कि वो सराउंडिंग जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आपका दिमाग कहता है, वही हो जाता है। तो ये सब कुछ विचारों का खेल है, विचारों का तालमेल है। ये सबसे ज़रूरी और समझने वाली बात है कि आप अपने विचार को बदलो और विचार में जितना ज़्यादा हो सकता है वो पॉजिटिव बातें लाओ, हंसो, खेलो, छोटी छोटी सी बातों को इंजॉय करो। जितना ज़्यादा आप देखोगे, पॉजिटिव साइड में रहोगे, आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा, मतलब निगेटिव थॉट्स उस पर भारी पड़ने लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े से आपको कार्य करने हैं, छोटी छोटी सी बात है कि आपने ऑफिस में भी अगर आप हो तो आप
ऐसे लोगों का संगत रखो जो कि आपको हंसाता हो, जो कि आपको आपके माइंड को मतलब कि एक अच्छे लेवल पे रखता हो, ना कि अरे यार आज तो ये हो गया ये हो गया, मतलब हमेशा टेंशन टेंशन की बातें हो। तो ऐसा आप सुनो मत। अगर आप मानो किसी की प्रॉब्लम भी होती है, हमें सुनना भी चाहिए, मगर आप देखते हो कि किसी की आदत बन जाती है, तो आप क्या करो कि आप सुन लो और बस यही बात आप हंसते हुए बोल दो कि अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी आएगा, अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। तो अब आपने क्या कहा कि मान लो कहीं से अगर आप मान लो कोई ऐसे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव बातें कह दी, तो क्या है कि आपके माइंड को भी ये पॉजिटिव बातें मतलब कि पहुँचाई गई, आपके माइंड तक भी ये बातें आ गई कि सब कुछ अच्छा होगा अगर बुरा वक्त भी है। तो बस यही आपको अपने साथ भी करना है, क्योंकि एनी टाइम आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड को देनी। इसके लिए आपको मैं हमेशा बता रही हूँ कि जैसे कि आपको राइटिंग थेरेपी करनी, ये रेगुलर अपने दिनचर्या में आप लेके आओ। रेगुलर आप ये भी कर सकते हो कि हर टाइम का मॉर्निंग का इवनिंग का आप अफर्मेशन आप कर सकते हो। मॉर्निंग में आप ज़रूरी नहीं आप किसी को कॉपी करो, हो सकता है मैं कुछ और बोलती हूँ, हो सकता है आपके मन में कुछ और हो, आपको भगवान को थैंक्स करने का, अदर लोगों का जो लोग आपके काम आए अच्छे वक्त में बुरे वक्त में, उनको आप किस तरीके से धन्यवाद करना चाहते हो, ये आप लाइंस लिख लो। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो आपका आप जब स्पीक करोगे, जब आप बोलोगे तो उस टाइम में आसान हो जाएगा, या नहीं तो जो दिल से निकलती है वो बातें अलग होती है। मॉर्निंग में जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग की जो का वक्त जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव वक्त होता है। उस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि आप वहाँ भगवान ईश्वर को देखते हुए आप उनको थैंक्स कर सकते हो, उनको धन्यवाद कर सकते हो, और उस टाइम में आप ये अफर्मेशन आप बोल सकते हो। फिर आप जो बोलोगे, जो मॉर्निंग में आपने पॉजिटिव बातें की, अब यही सोचना है आपको कि ये आपको आफ्टरनून में भी, आपको इवनिंग में भी, आपको सोने के टाइम में भी आप इसी मतलब हैबिट्स के साथ में रहोगे। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में आप तो बहुत हैप्पी थे, आफ्टरनून में भी ठीक हो गए, अचानक से आपका मूड स्विंग हो गया रात को, ऐसा नहीं करना। आपको पूरे टाइम जो है वो पॉजिटिव लेके पॉजिटिव थॉट्स में आपके माइंड को रखना है और खुश रहना है। फ्रेंड्स, ये जिंदगी में उतार चढ़ाव दुख तकलीफ आते रहते हैं, ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, ये आना ही है। बिकॉज क्या है कि लाइफ है, ये ज़िंदगी मिली है, तो इस ज़िंदगी में सब कुछ देखना है। जिस तरीके से मैं कहती हूँ ना कि हम एक एक्टर हैं जो इस दुनिया में आए, हमें पार्ट दिया गया है, हमें डायलॉग्स दिए गए हैं, हमारा कैरेक्टर लिखा गया है, हमारा एक एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, तो कब किस तरीके से किसके साथ होना है ये सब कुछ लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, करना आपको ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। हमेशा ये याद रखो कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कैसी देनी है, कैसी रखनी है। अब हर कोई समझता है, अगर कोई किसी के भी दिमाग में ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स बार 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 आते हैं तो उसका दिमाग अलर्ट करता है। तो आपको अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग रखना है, इतना स्ट्रांग रखना है कि आपको समझना है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब अगर गलत हो रहा है तो करना क्या है, तो करना यही है कि बहुत सारी पॉजिटिव बातें अपने दिमाग तक भेजनी है, बस यही करना है। फ्रेंड्स, जितना पॉजिटिव रहोगे ना, कोई दवाई ऐसा नहीं है कि जो मतलब पॉजिटिव बातें भर दे, ऐसा नहीं। आप देखोगे तो मतलब काउंसलिंग भी क्या होती है कि हैबिट्स में आपको रोज एक दिन या दो दिन पे आपको हमारे पास में आना होता है, हम आपकी काउंसलिंग करते हैं, वो हर तरह की होती है, हर तरह के पेशेंट के साथ में डिफरेंट टाइप के काउंसलिंग होती है। तो ये काउंसलिंग में भी हम आपको हैप्पीनेस ही बताते, पॉजिटिव बातें ही बताते, कुछ वैसे जो आपकी आदत बन जाए। तो आदत आपको निगेटिव बातों की नहीं रखनी है, आपको पॉजिटिव बातों की रखनी है। तो ये सब कुछ बहुत सी छोटी बातों में आती है। जब भी आपको लगे कि आप अब डिप्रेस्ड हो रहे हो, उस टाइम में आप कुछ ऐसी बातें याद कर लो, कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसे काम कर लो, कुछ ऐसी चीज़ें देख लो, सब चीज़ अवेलेबल होता है हमारे सामने में, जिससे कि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए और आपके दिमाग में पॉजिटिव बातें आए। तो ऐसा करना फ्रेंड्स, ऐसे करने से आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहोगे, ये मेरी
मतलब मैं क्या बोलूँ मैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग ये बातें हैं, और इतने मैं मतलब 100% श्योर होके बोलूँगी कि फिर कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपने आप को सक्षम बनाते हो, अगर आप अपने आप को कहते हो आई एम द बेस्ट, अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, अगर आप ऐसा कहते हो तो देखो कि कोई मानसिक प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकती है। इसके लिए बस यही करना है कि आपको अपने आप से एक प्रण लेना है, अपने आप को ये कहना है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी भी ना तो उससे मैं लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, अपने निगेटिव थॉट्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। करोगे ना फ्रेंड्स ऐसा, ज़रूर करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत दुखी होती हूँ। मैं कहती हूँ ज़िंदगी कितना आसान है, तकलीफ़ें आती है हमारे आपके हर किसी के लाइफ में, तकलीफ़ें आती है। मैंने कहा ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें तो आनी आनी, तो इस तकलीफ़ों को हम मज़े में क्यों ना लें। जैसे दिन है, जैसे रात है, जैसे धूप है, जैसे छाएँ, जैसे बारिश है, जैसे गर्मी है, ये गर्मी भी तो है, ठंड आती है तो फिर गर्मी भी आती है, फिर बारिश भी आती है, तो ये लाइफ है। तो इस लाइफ में सब कुछ होना है, सब कुछ होता है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट हमको बहुत इजीली करना है, जब हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में इन बातों को तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाती है। इतनी प्यारी सी ज़िंदगी मिली है, जब तक की ज़िंदगी है तब तक हंसते मुस्कुराते, एक दूसरे से मिलते मिलाते, एक दूसरे को हंसते हंसाते, एक दूसरे को समझते समझाते हम लोग जी सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, मुस्कुराते हुए, तंदुरुस्त रहते हुए, मानसिक तौर पे रह सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से रहिए, प्लीज़ बात ज़रूर मानिए। कैसा लगता है मेरी वीडियो ज़रूर बताइए, और कैसी लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो ये भी ज़रूर बताइए, एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। लंबी हो जाती है मानती हूँ, पर बातें अगर आपको बतानी है तो वीडियो थोड़ी कभी कभी लेंदी हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, अपने मानसिक स्थिति को, अपने जो माइंड को है स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, बहुत सारी पॉजिटिव बातें अपने अंदर क्रिएट करते हुए, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को देते हुए, खुश रहते हुए, दूसरों में खुशियां बांटते हुए, हंसते खिलखिलाते और अच्छे से ओमकार के साथ में हर हर महादेव कहते हुए मिलेंगे डॉक्टर नीतू सिंह के साथ में अगले वीडियो। तब तक नमस्कार एंड